अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नफ्सियात का हम पढ़ने लगे हैं। नफ्सियात का लेक्चर नंबर जो है 1, आपका ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर नंबर 1 है। और हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है रंगकोरी। रंगकोरी मींस कलर ब्लाइंडनेस, वो क्या है, उसमें क्या होता है और उसकी कितनी तरह की हो सकती है वो, ठीक है। इससे हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक में से रंगकोरी का चैप्टर टॉपिक खोलें और उसको एक बार रीड आउट करें मेरे साथ साथ। देखें, एक इंसान डिफरेंट कलर्स देखता है। आप देखें इर्द गिर्द हमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं। ग्रीन नज़र आता है, वाइट नज़र आता है, रेड नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, डिफरेंट कलर। और वो कलर्स कौन से हैं, हमें धनक में भी नज़र आते हैं। धनक रेनबो, जो आफ्टर रेन हमें नज़र आती है आसमान पे, उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स हमें नज़र आते हैं। एक सेहतमंद आँख जो है, जो हमारे बसारत का रिसेप्टर है, एक सेहतमंद आँख जो है वो 7 रंग देख सकती है। लेकिन अगर वो इम्तियाज़ हम जो है उन कलर्स में डिफरेंस ना कर पाएँ, उन कलरों को अलग अलग ना देख पाएँ, तो क्या है वो, हमारी रंगकोरी कहलाता है। मतलब हमें रंग नज़र नहीं आते। ये जो बीमारी है रंगकोरी, मतलब हमें रंग का नज़र ना आना या रंगों में बास का इम्तियाज़ कर सकना और बास का ना कर सकना। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो हमारी 2 तरह की इकसाम बनती हैं। जो हमारा रंगकोरी है उसमें जुज़्वी रंगकोरी आती है। जुज़्वी रंगकोर होता है या तो इंसान या फिर मुकम्मल रंगकोर होते हैं। अब जुज़्वी रंगकोर कौन से होते हैं और मुकम्मल रंगकोर कौन से होते हैं? जुज़्वी रंगकोर वो हैं जिन लोगों को कुछ कलर्स नज़र आते हैं, कुछ कलर्स नज़र नहीं आते। और मुकम्मल रंगकोर वो हैं जिन्हें कोई भी कलर मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आता या बिल्कुल भी कोई कलर नज़र नहीं आता, तो उन्हें मुकम्मल रंगकोर कहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा कि रंगकोरी क्या होती है, रंगकोरी क्या जिसमें हमें कलर नज़र नहीं आते, रंग नज़र नहीं आते। दूसरी चीज़ क्या कि हमारी कितनी तरह की रंगकोरी होती है। एक तो यह है जुज़्वी रंगकोर हो जाए या तो मुकम्मल रंगकोर हो जाए। अब हम आते हैं रंग के इम्तहानी दायराकार पर। उसमें यह है कि विलियम वॉन्ट, हमारा जो एक माहिरीन नफ्सियात था, उसने कहा, उसने इंसानी रेटिना इंसानी आँख का जो अंदरूनी पर्दा है उसके कोन्स के मखरूतों के 3 सेट बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान का जो सेल्स हैं वो 2 सेल्स होते हैं, मुस्तकीमे और मखरूते। जो मखरूते सेल्स होते हैं इंसान के, वो कलर्स को लेकर हसास होते हैं। वो तेज़ रोशनी में ही हमें डिफरेंस दिखाते हैं। सिर्फ कलर के लिए हसास होते हैं वो 3 सेट होते हैं। एक सेट होता है वो सब्ज़ रंग को दिखाता है, दूसरा सेट होता है वो नीले को दिखाता है, और तीसरा सेट जो है वो सुर्ख रंग के लिए हसास होता है। तो इन्हीं तीनों के हसास रंगों की वजह से, जो हमारे बुनियादी कलर्स हैं, इन्हीं के आपस में मिलाप की वजह से जो है हमें बाकी कलर्स भी नज़र आते हैं और हमें जो हमारे 3 बुनियादी कलर हैं ये भी नज़र आते हैं। आपकी बुक में शक्ल नंबर 4.11 जो है आपको एक इम्तिहानी दायराकार दिखा रही है। उसमें से स्टूडेंट्स आप लोग ख़ुद देखेंगे कि अगर आपको उसके अंदर लिखा हुआ 48 नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है रंगकोरी से महफूज हैं। और अगर आप लोगों को उसमें फ़र्क नज़र नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप जो है उसके बारे में, आपको कलरों में फ़र्क करने में मुश्किल पेश आती है। और ये किस वजह से है? रंगकोरी की वजह से है। मतलब आपकी आँखों के मखरूते सेल जो है वो सही तरीके काम नहीं कर रहे, या तो उनकी कारकर्दगी मुतासर हो रही है या फिर वो तादाद में कम है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, शबे कोरी। शब मीन नाइट, कोरी मतलब ब्लाइंडनेस। शबे कोरी नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि रात के वक्त कम रोशनी में देखना मुमकिन नहीं होता। क्यों मुमकिन नहीं होता? क्योंकि हमारे आँख में, रेटिना जो हमारी आँख का जालदार पर्दा है, अंदरूनी पर्दा है, उसमें मौजूद हमारे खुलिए मुस्तकीमे जो हैं, जो रॉड्स हैं, जो कम रोशनी में भी हमारे अंदर देखने की सलाहियत पैदा करते हैं, वो जो हैं वो हमारे सही काम नहीं कर रहे होते या उनकी तादाद कम होती है, जिसकी वजह से शबे कोरी की बीमारी या अलामात ज़ाहिर होती हैं। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि दिमाग अदराक की जादुई सिफ्त। अब देखिए, अदराक मैंने आपको बताया था कि चीज़ों को देखना, हमारे चीज़ों का देखना, हमारी आवाज़ों को सुनना, हमारा चखना, हमारा बोलना, हमारे 5 सेंसेस के जितने भी काम हैं दिमाग उनको समझता है। तो हमारे जो हिस्से हैं, 5 जो हमारी सेंसेस हैं उनका जो समझना है, उसकी जो तशरीह है, वो हमारा दिमाग करता है। तो हमारा दिमाग जो हमारी हिस्सों की तर्जमा और तशरीह करता है, जो कि एक बहुत ही जादुई सिफ्त है। इसके बारे में मुकम्मल तौर पर अभी तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जानने में नाकाम हुए हैं कि दिमाग किस तरह से समझता है।
लेकिन यहाँ पर 5 पॉइंट्स एनलिस्ट किए गए हैं। वो 5 पॉइंट्स किस चीज़ के हैं कि इंसान किस तरह से गैर ममूली सिफात का हामिल है। इसमें पॉइंट 1 है, रेटिना पर अशिया की तस्वीरें उल्टी बनती हैं मगर दिमाग अपनी सलाहियत से उन्हें सीधा कर लेता है। जब मैंने आपको कलर जो है पिन होल कैमरा और आँख में फ़र्क बताया था और उसकी मदद से आपको आँख में शिबा किस तरह बनती है उसके बारे में मतलब बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि रेटिना पर अशिया की तस्वीर उल्टी बनती है, लेकिन हमारे दिमाग की ये जादुई सिफत है कि वो उनको सीधा कर लेता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दिमाग में ये सलाहियत भी है कि अशिया की नामुकम्मल तस्वीर खुद ही मुकम्मल कर लेते हैं। हमारे अंदर ये सेंस है कि हम अपनी तरफ से ही चीज़ों को बना लेते हैं। वो कहते हैं अधूरा नॉलेज हमेशा गलत होता है, लेकिन अधूरी चीज़ें हमारा दिमाग जो है वो खुद ही उनको मुकम्मल करके अपने दिमाग में मुकम्मल तस्वीर रखता है। दिमाग अधूरी अशिया को नहीं समझ पाता तो वो उन्हें खुद से ही मुकम्मल कर लेता है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दिमाग गैर मुसलसल को पुर करके मुसलसल बना लेता है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट जब सबक याद करते हैं, ठीक है, याद करने के बाद जब टेस्ट होता है आपका, आपको कुछ पॉइंट्स याद रहते हैं, कुछ पॉइंट्स याद नहीं रहते, लेकिन आप क्या करते हैं उन सारे पॉइंट्स जो आपको याद आ रहे हैं उनको मिला के आप एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक फिक्रा बना लेते हैं, तो ये आपकी दिमाग की सलाहियत है कि गैर मुसलसल अशिया को मुसलसल बना लिया गया। पढ़ते हैं 4 पॉइंट की तरफ, दिमाग चीज़ों को पूरे पस मंज़र में देखने की अहलियत रखता है कि क्या करीब है, क्या दूर है, क्या गहराई में है, और उसकी मुनासबत से इदराक करता है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप छत पे खड़े हों और आपको पता चलता है कि नीचे गहराई है और आपने नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं जाना कि कहीं आप गिर ना जाए, उस गहराई की मुनासबत से आप थोड़ी दूरी इख्तियार करते हैं चीज़ों के करीब या दूर से। अब देखिए, आग है, आप आग के करीब नहीं जाएंगे, तो दूरी और गहराई इस तरह की चीज़ें जो हैं जो हमारे लिए, हमारे दिमाग समझता है इन चीज़ों को कि हमारा दिमाग क्या करना चाहिए हमें इस सूरत हाल में, हम उसका अदराक करते हैं हमारा दिमाग। सबसे हैरत अफजा बात यह होती है कि हमारा दिमाग क्या है, ना सिर्फ जो हसियात है उनको महसूस करता है। देखिए, हसिया जो जो हमारी हिस्सा है ना, जैसे आँख है, बसारत की हिस्सा है, कान है, समाज की हिस्सा है, तो हमारी जो हसियात है ना उनको जो है हसियात को मानी देना है, उनको तशरीह करनी है, उनको तर्जमा करना है, ये काम हमारा दिमाग का है और वो बहुत इंटेलिजेंटली इसको जो है सर अंजाम देता है कि उस सेंसेस को जो है नाम देता है, मानी देता है। इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि अगर हम जब किसी पालतू जानवर को नाम देते हैं तो वो क्या करता है, उस नाम को कबूल कर लेता है और अदराक जो है। देखिए, अब एक जानवर है आपके पास, फॉर एग्जांपल कोई पेट है, कोई डॉग है, कोई जो है पैरेट है, आप उसको नेम देते हैं तो उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने नाम को याद कर लेता है, कबूल कर लेता है, अदराक होता है, वो अदराक की वजह से होता है। इसी तरह हमारा दिमाग भी क्या करता है, अदराक की सलाहियत रखता है और हमारी अदराक की सलाहियत बाकी जो हमारी मखलूक़ात हैं अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई उनसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए हम जो है अशरफुल मखलूक़ात हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, इंशाल्लाह हम जो है कल एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।